एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। और अभी मैं आ चुकी हूँ यज्ञ स्थल पे, जहाँ पे यज्ञ हो रहा है बक्सर अरावली। और मैं जब से यज्ञ स्टार्ट हुआ है मैं एक बार भी नहीं आई थी, तो आज मैं फाइनली आ गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है यज्ञ। मैं तो बोलूँगी आप लोग भी आइए और यहाँ जरूर एक बार घूमिए, दर्शन करिए। तो मैं सोची कि आप लोग को भी यहाँ का यज्ञ घुमा देती हूँ, जो लोग नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ऐसा यज्ञ बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। मुझे बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मैं यहाँ बक्सर से हूँ, बक्सर से बिलोंग करती हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बक्सर बहुत अच्छी जगह है, राम की नगरी है, राम की जगह है। सबसे पहली बार राम जी आए थे तो वो है बक्सर। यहाँ पे स्कूल भी है मेरा, जिस स्कूल से मैं पास आउट हुई हूँ टेंथ, मेरे जस्ट बगल में मेरा स्कूल भी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे स्कूल के पास में यज्ञ हो रहा है, वो भी इतना बड़ा। मतलब क्या बताया, मैं तो अपनी लाइफ में इतना बड़ा यज्ञ देख ही नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत 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 बड़े बड़े सिंगर आ रहे हैं। जैसे मैं पहले कैलाश के आए थे, अनुराधा पटवाल भी आई थी, और आज आने वाले हंसराज रघुवंशी भी आ जाने वाले हैं, और बहुत सारे सिंगर आने वाले हैं, कौन सिंगर आने वाले हैं, मतलब हिंदी में पूरी सारे कलाकार आने वाले हैं। यहाँ पे प्रवचन हो रहा है, कोई स्वामी जी हैं, मुझे नाम नहीं मालूम, उनका प्रवचन हो रहा है। वहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होंगे आप लोगों को। सुखदेव तुम्हारी और इसके अंदर होगा परिक्रमा, जो भी परिक्रमा करना चाहेंगे वो इसके अंदर हो रहा है। बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। और यहाँ पे सभी लोगों को भोज कराया जा रहा है, सभी लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। अभी शाम के 5:30 हो रहा है, 5:35 हो रहा है, और सो के उठ गए हैं और अभी जा रहे हैं रेडी होने। रेडी होके फिर जाएंगे यज्ञ में, क्योंकि आज वहाँ पे लाइव शो होने वाला है। तो डेली हो रहा है लेकिन आज मैं जाऊँगी लाइव शो देखने, और हंसराज रघुवंशी आ रहे हैं तो जाऊँगी। हम थोड़े बहुत रेडी हो चुके हैं, बस मुझे बाल बनाना है, इयररिंग्स पहनना है, बाकी सब कर लिए हैं। और अभी दीदी और बाबू रेडी हो रहे हैं, तो अभी 6:20 हो रहा है और 10 मिनट में निकलना है। देखते हैं कि 10 मिनट में ये लोग रेडी हो पाते हैं या नहीं, अगर नहीं होंगे तो मैं छोड़ के निकल जाऊंगी। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और मैं अभी चेंज कर ली, सोचे कि सूट क्या पहनेंगे, जब सुबह सूट पहने ही थे तो इसलिए दूसरा ड्रेस पहन ली, टॉप जींस टॉप पहन लिए। और बाबू भी रेडी हो गया है और दीदी चलो लेट हो रहा है, तो 6:30 हो गया है और अभी जस्ट अब निकल रहे हैं। बाबू छोड़ के चला जाए, चलो दीदी बहुत लेट कर रही है। तो हम लोग निकल चुके हैं। बाबू पैसा भी हो पता नहीं देखने को मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा है और हम लोग लेट कर चुके हैं ऑलरेडी। और वहाँ पे वीआईपी कार्ड एंट्री हो रहा है। यस, मैंने लिया है, तो वीआईपी कार्ड एंट्री हो रहा है, हमारे पास है बट पता नहीं काम आएगा कि नहीं आएगा। ये है हमारे पास, लेकिन 2 ही है और 2 है लेकिन 3 लोग एंट्री करेंगे, देखिए मिलता है कि नहीं। तो चलते हैं हम लोग शो देखने। हम लोग आ चुके हैं यज्ञ के समीप। अब कुछ ही देर में आने वाले हैं हंसराज रघुवंशी। कैसा लग रहा है बाबू, मजा आ रहा है? थोड़ी सी तब्दीली हुई है, एक बार बुलाओ नहीं प्रेम से एक बार और अपने सामान नहीं, अभी आने वाले हैं न फूलों में पाठक न कलियों में न माली में आती है जो गाय अभी न फूलों में न कलियों में
रात के 11 बज रहा है और हम लोग घर आ चुके हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय किए, सामने से देखने को मिला, मतलब पहली बार हम देखे किसी इतने बड़े सिंगर को, इतने बड़े सिंगर को सामने से, बहुत अच्छा लगा देख के। और वो तो सबके फेवरेट है ही, तो बहुत मज़ा आया। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे पता है कि आप लोग इस वीडियो को खूब इन्जॉय करोगे और खूब सारा प्यार दोगे, और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। जय भोलेनाथ, जय श्री राम, बाय।